हेलो, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। आज हम यूपी लेखपाल के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी देखेंगे कि आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम वो सिर्फ एक महीने में बचा है, तो इसके लिए आप क्या कि आप कैसे पढ़े कि आपका मतलब नंबर भी अच्छा है। तो जो आपका टारगेट होना चाहिए लेखपाल के लिए वो आपका 100 में से 90 होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको 90 नंबर लेकर आना। अगर आप 90 सोचेंगे तो आपका 80+ तो आ ही जाएगा, अगर 90 मानकर चलेंगे तो। आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेखपाल के लिए अब एक महीने ही बचे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से अच्छा इसका सोर्स मिले, तो आपको टेस्ट बुक है जो उस पर आपको ऑनलाइन मॉक अच्छा लगे तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आप टेस्ट बुक पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट कीजिए। और इसके लिए देखिए चक्षु पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी होती है, उसमें आपको PYQ MCQs भी मिल जाएंगे लेखपाल के लिए, तो उसमें आप PYQ MCQs कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का। और GS के लिए आप देखेंगे तो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है लूसेंट का, तो उसमें आपको GS के लिए सबसे अच्छा मिलता है। और UP स्पेशल भी उसमें ठीक ठाक अच्छा ही दिया रहता है कि आपको मतलब तैयारी कर सकते हो। और उसमें आप घटना चक्र में आप देखें तो आपको करंट अफेयर्स, आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा मतलब स्कोर गेन कर सकते हो। घटना चक्र करंट अफेयर्स के लिए बढ़िया होता है। और ग्राम समाज के लिए आप देखेंगे तो PYQ और MCQs लगाइए, और या फिर कोई अगर आपको YouTube पे कोई ग्राम समाज से अच्छा वीडियो देता है तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि PYQ MCQ लगाएं, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाएं, मॉक टेस्ट कीजिए ग्राम समाज के लिए, क्योंकि अब एक एक टॉपिक आप ग्राम समाज का लेकर के पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा समय निकल जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर MCQs लगाइए। और हिंदी के लिए आप देखेंगे तो उसमें आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, उसमें मैंने देखा था तो उसमें ज़्यादा मैटर कम है ना ही ज़्यादा है कि आप पढ़ते पढ़ते उबाऊ आपको ऐसा हो, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, वो उसमें भी अच्छा है, ठीक ठाक दिया है। और मैंने भी आपको स्टडीग्राम चैनल आपको प्ले लिस्ट में जाऊँगा तो आपको हिंदी के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसको भी देखिएगा। और भी मैं वीडियो आपको हिंदी के लिए ऐसे व्याकरण के लिए आपको मैं सजेस्ट करती रहूँगी, आपको वीडियो देती रहूँगी। और उसमें जैसे हिंदी साहित्य का भी कुछ पूछ देता है लेखपाल के एग्ज़ाम में, कि जैसे हिंदी साहित्य में जैसे कृतियाँ रचनाएँ लेखक के नाम इस तरह से पूछ देता है, तो वो तो मैं आपको पढ़ा दूँगी। और इसमें आपको व्याकरण, इसमें लेखपाल के एग्ज़ाम में हिंदी को ज़्यादा पूछता है, तो आप इस पर व्याकरण पे जैसे तत्सम तद्भव पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द इस पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और देखिए मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही मॉक टेस्ट लगे और PYQ कीजिए। और जो भी आपका मैथ्स में जो भी टॉपिक कमज़ोर है, जो लगता है कि हमको ये नहीं आता, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी एक महीने समय, तो आप उस पर आप ज़्यादा ध्यान देकर आपको आप टॉपिक को आपको बेहतर कर सकते हो। तो उसके लिए जो भी आपके पास बुक है उसको आप पढ़िए, अब कोई नई बुक लेने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी मैथ्स का बुक आपके पास अवेलेबल है उसको आप टॉपिक को पढ़िए जो आपको नहीं आ रहा, और उस पर जो मॉक है आप PYQ पुराने प्रश्न पत्र को हल कीजिए, यही आप कर सकते हैं। और इससे अब क्योंकि समय बहुत कम बचे हैं, एक महीना मात्र समय, 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस PYQ MCQ मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बस इतना ही। चलिए तो धन्यवाद।